नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज गायत्री ज्योतिष केंद्र के द्वारा आप लोगों को सगुन शास्त्र की एक सर्वश्रेष्ठ जानकारी से अवगत कराया जाएगा। यह वह जानकारी रहेगी जो जानकारी आज तक आप लोगों को ना यूट्यूब पे मिली हुई होगी और आप लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण होगी कि जिसको सुनने के पश्चात आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई यह हमारे लिए कितनी लाभदायक है। और साथ ही साथ इस जानकारी से आप अन्य लोगों को भी अवगत करा सकते हैं। सगुन शास्त्र में बताया गया है कि यदि कभी व्यक्ति की कहने इत्तफाकन कोई वस्तु उसके हाथ से छूट जाती है या गिर जाती है, कोई भी वस्तु हो, कोई चाय का गिलास हो, पानी हो, दूध हो, कॉपी पेन आदि कोई भी वस्तु हो, यदि वह छूट जाती है तो वह कुछ न कुछ आपको बताना चाहती है कि वह क्यों गिरी। उसका कुछ न कुछ फल अवश्य होता है। बस समझने की बात यह रहती है कि आपका मुख जिस समय पे वह वस्तु गिरी, किस दिशा में गिरी, कहाँ को था, यह जानने का भी सही है कि आपका मुख पूर्व को था, पश्चिम को था, दक्षिण को था या उत्तर को था। इन चारों दिशाओं में जिस दिशा को पर भी आपका मुख था और वस्तु गिरी, तो उसका चमत्कारिक फल आपके जीवन से कुछ समय बाद घटित होने वाला है। यह सगुन शास्त्र में बताया गया है। तो यहां पर को हम आप लोगों को बताएंगे कि पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा में यदि आपका मुख हो तो इसका क्या फल होता है। तो ध्यान पूर्वक आप इस चीज को सुनिएगा और समझिएगा और अन्य लोगों को भी समझाइएगा। बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर हो और उसके हाथ से कोई भी किसी भी प्रकार की कोई वस्तु गिर जाए, छूट जाए, तो यह सबसे बड़ा शुभ संकेत माना गया है। पूर्व दिशा खुली दिशा होती है, भगवान सूर्य की दिशा होती है। यहाँ को किसी चीज का टूटना यानी कि भगवान सूर्य की साक्षात दृष्टि आपको प्राप्त होना, आपका कोई ना कोई बहुत बड़ा कार्य बनना या आपके भाग्य का चमकने का संकेत भी माना जाता है। सबसे बड़ा शुभ संकेत पूर्व दिशा की ओर माना जाता है, यानी कि शुभ होने वाला है गारंटी के साथ आप मान लीजिए। दूसरा, यदि पश्चिम दिशा की ओर आपका मुख हो ठीक पीछे और आपके हाथ से कोई वस्तु आदि गिर जाए, तो यह सबसे बड़ा अशुभ संकेत माना गया है। यह दर्शाता है कि आप अपने भाग्य को चेक करिए, नहीं तो आने वाले शीघ्र कुछ समय में आप किसी बहुत बड़ी भारी विपदा आदि में फंस सकते हैं, बहुत बड़ी समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं जिसे निकलने में काफी समय लग जाएगा। तो सतर्क हो जाइए और देव कृपा प्राप्त करिए, धार्मिक बनिए या कहीं ना कहीं खुद को चेक करिए, अपने भाग्य आदि कुंडली आदि आप दिखा सकते हैं। दक्षिण दिशा के बारे में बताया गया है, यह एक ऐसी दिशा है आपको सतर्क हो जाना है कुछ समय के लिए। यदि दक्षिण दिशा की ओर मुख करते समय आपके हाथ से कोई वस्तु छूट जाती है तो बताया गया कि शीघ्र शत्रु बाधा होने वाली है या किसी पैचड़े में आप फंस सकते हैं, कोई मुकदमा, कोर्ट कचहरी, कानून या लांछन, किसी कोई प्रकार का आरोप लगना, इस तरीके का भी योग यहां से आपको देखने में आ सकता है। तो दक्षिण दिशा को भी थोड़ा सा कुछ कमजोर माना गया है। यदि ऐसा होता है तो सतर्क आप हो जाइए, अपने आप को चेक करिए, कदम कदम सोच समझ के चलिए, भगवान भगवत कृपा प्राप्त करिए, भगवान की ओर आराधना अपनी बढ़ाइए। उत्तर दिशा यानी कि बाएं हाथ की ओर की दिशा, जिस दिशा में देवता आदि विराजते हैं, वह दिशा पे यदि मुख हो आपका और आपके हाथ से कोई वस्तु छूट जाती है, गिर जाती है, तो यह साफ साफ संकेत है कि आप नास्तिक हैं, आपकी आस्था, आप भगवान की ओर आपका विश्वास नहीं है, जिससे कि आपके जीवन में कई प्रकार की रुकावटें हैं और आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको प्रगति नहीं मिल पा रही है। क्योंकि उत्तर दिशा की ओर यदि आपका मुख हो तो आपसे देव कृपा रुष्ट है, तो उसका अर्थ यह है कि आप देवताओं की ओर, देवताओं यानी ग्रहों की ओर, भगवान की ओर रुचि बढ़ाइए, आस्तिक बनिए और अपने जीवन में एक नया मोड़ स्थापित करिए। आप चेक करिएगा इन चीजों को, लिखा हुआ कभी गलत नहीं जाता है। ज्योतिष शास्त्र की यह जो चीजें बताई गई हैं, यह 100% नहीं 200% सत्य है। कभी गिरे आपके तो आपको खुद इस चीज का आभास भी हो जाएगा। संक्षिप्त में मैंने बताने का प्रयास किया, किंतु सटीक जानकारी यह सगुन शास्त्र की थी। तो उत्तर दिशा में लास्ट में एक शब्द और कहना चाहूंगा, यदि कभी आपके हाथ से कुछ गिर जाता है तो समझ लीजिए कि भगवान आप पे कृपा करना चाहते हैं लेकिन आप उनके पास नहीं जा रहे। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई, बहुत अच्छी जानकारी थी। सगुन शास्त्र में बहुत अच्छी अच्छी और भी ढेर सारी ऐसी जानकारी है जो इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में भी सुंदर लगेंगी, बताने में भी सुंदर लगेंगी, हर जगह पे आपको यह सुंदर लगेंगी और जीवन में सबसे बड़ी बात प्रत्यक्ष तौर पे यह घटित होने में भी आप लोगों को सुंदर लगेगी। यदि जानकारी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के वीडियो लगातार देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी वह दबा सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार,
जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।